मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है, मैं तो जवाब लेकर रहूंगा, छोड़ने वाला तो हूं नहीं मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं मेरी कहानी का तीसरा पार्ट, मैं अपनी लव स्टोरी के बाद आगे और क्या क्या दिक्कत आई वो सब चीज़ें इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी शादी जो है एक चाइनीज से हुई है। तो मेरी शादी हुई थी 2019 में, शायद सितंबर में। उसके बाद हम लोग पूरी वहाँ की फैमिली को लेकर आए थे 2019 में, दिसंबर के आसपास लेके आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। और मैं सोचा था कि वहाँ शादी किए हैं तो फिर चलो यहाँ पे देख लेते हैं शादी होता है कि नहीं, ऐसे ढंग के मैं सोचा था यहाँ पे शादी होगा ऐसे ढंग के, हम लोग भी शादी करेंगे इंडियन स्टाइल से, ऐसा सोच के आया था। तो वो लोग भी यहाँ आए थे, यहाँ रुके भी थे शायद एक सप्ताह, और इसका जो है न्यूज़ भी वायरल हुआ था एक। वो लोग तो वैसे चले गए, यहाँ एक सप्ताह रुके उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद यहाँ हुआ क्या, समाज वालों को मैंने इकट्ठा किया कि मैंने बताया कि मैंने एक चाइनीज से शादी किया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि इसके लिए कुछ पनिशमेंट है। आपकी ये पनिशमेंट क्यों है आप लोग शायद जानते भी होंगे, अंतर जाति विवाह। वैसे चाइना में जो है जाति वगैरह को कुछ मानते भी नहीं है, ना ही वहाँ की गवर्नमेंट जो है कोई जाति प्रमाण पत्र देता। वो लोग समझे कि चलो ये एक प्रकार से अंतर जाति विवाह है। अब समाज वाले तो एक्सेप्ट करते नहीं है, जानते हो, हालांकि भारत सरकार इसको मान्यता देती है। और भारत सरकार जो है इसके लिए अगर आप अंतर जाति विवाह करते हो तो इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो हुआ क्या, इसके लिए हम मुझे समाज ने कुछ दंड भी दिया। पहले तो ये कि मुझे 5 साल के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया उस बैठक में, और शायद मेरे जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर दंड भी लगाया क्योंकि आप लोगों ने पहले से हमें बताया नहीं, हमारा निर्णय नहीं लिया ऐसे ढंग के, शायद कुछ ऐसा है। तो उनके लिए 10,000 का दंड भी लगाया और ये लोग भी एक सप्ताह के लिए समाज से बहिष्कृत हैं। उसके बाद तो इस बैठक के बाद मैं चला गया कहाँ, चाइना, क्योंकि उसके बाद ही मुझे 2-3 दिन बाद निकलना था। तो मैंने सोचा था कि समाज वालों से बात कर लूँ, सलाह मशवरा कर लूँ, बट इसका कोई हल नहीं है, नहीं निकला। बस उसको और क्या करें, और जटिल बनाया जा सकता है, ऐसा है इनका निर्णय। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनका जो है एक और 2-3 गाँव के, मतलब 4-5-6 गाँव के जब बैठक होता है तो उनको बोला जाता है पाली बैठक। तो पाली वाले मिल के फिर से बैठक किया। ऐसे कैसे अंतर जाति हुआ, यहाँ पे हमारे आसपास गांव के आसपास और भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे इधर एक गांव, वहाँ भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ। तो इन सब को देखते हुए इन लोगों ने एक अलग से नियम बनाया कि इन सभी को 8 साल के लिए समाज से बहिष्कृत किया जाए, तो ऐसा नियम बनाया गया। ठीक, तो मेरा तो अच्छा चल रहा था। जैसे ही मैं गया यहाँ से तो कोरोना शुरू हो गया, तो कोरोना शायद 3-4 साल तो इसी में निकल गया कोरोना में। तो उसके बाद मैं आने का सोच रहा था कि पूरी फैमिली को, चाइनीज़ फैमिली को लेकर यहाँ आऊँ, अच्छे से विज़िट करूँ। बढ़िया हुआ कि मैं उनको लेकर नहीं आया, अगर वो लोग आते तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। तो मैं यहाँ अचानक क्यों आया, शायद आप लोग जानते भी होंगे, मेरे एक भाई थे तो उनका अचानक जो है निधन हो गया, इसीलिए मुझे आना पड़ा अचानक ही। तो जैसे मैंने घर वालों को बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो शायद इन लोगों ने, यहाँ के समाज वाले हैं, उनको इकट्ठा किया और शायद सलाह मशवरा लिए होंगे कि क्या किया जाए। तो उस समय मेरे घर वालों और जो यहाँ पे बहुत सारे सगा संबंधी भी आ गए थे, तो उन लोगों ने बताया कि समाज वालों ने बोला है तुम आ जा सकते हो घर में, ठीक, बट तुम्हें जो है रात में यहाँ रुकना नहीं है, रात में कहीं तुम अपना ठिकाना देख लेना, ऐसा बोले हैं, बोलते हैं समाज वाले। तो मैंने भी समाज वालों का मान रख लिया, चलो घर में आ सकते हैं, रुक, मतलब अपने माता पिता से मिल सकते हैं। अब वो माता पिता, मेरे माता पिता जो है एक बेटा खोया है, तो आप सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जब मैं यहाँ आया तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा आराम मिला था, थोड़ा आराम मिला अच्छे से। अब दो दिन तो शायद मेरा आना जाना रहा घर में। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो समाज वाले हैं, यहाँ के समाज वाले, इन लोगों ने फिर से बैठक किया। अब उस बैठक में क्या हुआ, मेरे भैया उस बैठक में गए थे, शायद उनको फ़ोन करके बुलाया था, और उनको 200 रुपया दंड लगा दिया। क्यों, क्योंकि आपका भाई जो है, जो समाज से अलग है, वो जो है आपके घर में आ जा रहा है, तो उसी के लिए। तो मेरे भैया बोले होंगे तो आप ही लोगों ने तो बोला था कि वो घर में आ जा सकता है, बस रात नहीं ठहरना। तो वो समाज वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोलते हैं।
बट मैंने मेरे समझ सगा संबंधी थे और बहुत सारे लोग सब बोलते हैं ये कैसे पलट गया यार, बात ऐसे ढंग पे ऐसा तो नहीं पलटना चाहिए ऐसा ढंग। तो भैया बोले कि यार आप तो समाज वाले बोल रहे हैं कि तुम घर में भी नहीं रह सकते, यहाँ के दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते, ऐसा बोल रहे हैं। अब उस समय मुझे इतना दुख लगा ना, आप सोचो उस समय मेरे परिवार में एक भाई का देहांत हुआ है, मेरे माता पिता इतने दुखी हैं, उनको संभालना भी है और मैं भी थोड़ा दुखी हूँ। अब इसी भी समाज वाले बोलते हैं कि तुम घर में नहीं आ जा सकते। हालांकि मैंने अपने घर में फर्स्ट फ्लोर में अपने लिए घर बना रखा है, लेकिन ये लोग वहाँ भी मुझे रहने के लिए मना कर रहे हैं, बाहर ही रहो, घर के अंदर आप जा ही नहीं सकते, ऐसे बोलते हैं। तो समाज को मेरे ख्याल से इतना निर्दयी भी नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हैं भाई मेरे और मेरे परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। तो मैंने सोचा चलो हमारे भाई का देहांत हुआ है तो उसके लिए समाज वाले कुछ इनका प्रोग्राम वगैरह रहता है, कुछ कार्यक्रम रहता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं चला गया कहाँ, अपना ठिकाना ढूंढ लिया अपने दोस्त के यहाँ। और जो अभी रात में जो रुक नहीं रहा था घर में, तो मैं उसी दोस्त के यहाँ भी सो रहा था। अब तो दिन भर मुझे वहीं रहना था। अब यहाँ पे समाज से मुझे बहिष्कृत किया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, समाज के जो कार्यक्रम है उसमें मैं भाग नहीं ले सकता, ऐसा है ठीक, मैं समाज के साथ उतना बैठा नहीं कर सकता, ऐसा है। तो यहाँ पे जो है हमारे गांव में जो है एक कार्यक्रम चलता है, जैसे किसी का देहांत हुआ है तो यहाँ पे उसको बोला जाता है तीज नहावन पंच नहावन, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। उसमें जो है तालाब में जाकर नहाना धोना रहता है और अपने भाई के जो कुछ रहता है इनका प्रोग्राम, तो उनको पानी देना रहता है, ऐसा रहता है तीज नहावन और पंच नहावन, पंच नहावन में पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, ऐसा है। तो ये सारे कार्यक्रम में मैं समाज के साथ नहीं जाता, मैं अपना खुद से अलग से जाता और वहाँ पर पानी देता था, ऐसा करता था। फिर पंचनहवान के दिन तो यहाँ पे गांव वालों और समाज वालों को सबको हम ही लोगों को खिलाना रहता है, मतलब समाज वाले मिल के सहायता करते हैं, तो उसमें सबको बुला के खिलाना खाना खिलाना, और जिसको बोलते हैं मृत्यु भोज वो करना रहता है। तो ये सब भी हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे घर में आ गया, समाज वालों ने फिर से बैठक किया, उसमें मेरे पिताजी गए थे, तो बोले कि मेरे पिताजी बोले कि चलो हम लोगों ने गलती तो क्या, आप लोगों को जितना दंड लगाना है दंड ले सकते हैं। तो वो लोग बोले आप तो दंड नहीं लगाएंगे, आप लोगों को समाज से बहिष्कृत करते हैं, मतलब पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो उस बैठक में जो है मेरे पिताजी बोले भी होंगे, मैं क्योंकि मैंने पिताजी को बोला था कि मैं बंटवारा चाहता हूँ, तो बोले होंगे पिताजी यही बैठक में, तो बोले कि आपके बेटे का आपके संपत्ति पर अभी कोई हक नहीं है। तो मेरे पिताजी बोले ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं जो है गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और आप लोगों को भी उसमें आना पड़ेगा बैठक में, और मेरे बेटे को बंटवारा दिलाना है। तो बोलते हैं समाज वाले हम लोग उस बैठक में जाएंगे नहीं। देखो बड़ा गजब है यार इनका। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ चलो, तो ये जो 8 साल मुझे जो बहिष्कृत किया गया था, यहाँ पे जो जितने भी पाली वाले हैं है ना, यहाँ पे 4, 5, 6 गांव आते हैं, तो यहाँ पे पूरे ये नियम लागू होता है। और ऐसी घटना अंतर जाती हुई यहाँ पे और भी हुए हैं 2-4, तो उनके ऊपर भी ये लागू होता है ठीक। अब मैं बताता हूँ, इधर जो है एक गांव है, तो वहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर भी अंतर जाति हुआ है, बट वहाँ पे क्या हुआ, 1 साल के अंतर्गत वहाँ पे उनको समाज में सम्मिलित कर लिया गया। अब क्यों किया गया, उनके ऊपर यह समाज 8 साल का नियम लागू नहीं है, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ। इधर एक और गाँव है, वहाँ पर भी ऐसे हुआ, वहाँ पर 2-3 साल बाद वहाँ पर भी समाज में सम्मिलित कर लिया गया। अब वहाँ पर भी 8 साल वाला नियम क्यों लागू नहीं हुआ, ये अभी तक समझ में नहीं आया। और यहाँ पे मैं एक और घटना बताता हूँ, हमारे इधर और गांव है, वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी एक ऐसा अंतर जाति हुआ हुआ है समझो, ऐसा टाइप का है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमारे समाज के कुछ मुख्य लोग भी हैं उस गाँव में, तो उन लोगों उसी के परिवार की घटना है, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको जो है आराम से निमंत्रण दे के घर में बुलाया, और वो जो है जिनको अलग किया है वो आराम से समाज में उठे बैठे खाए पिए सब कार्यक्रम किए, बट उनके ऊपर ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ, उनको कोई पनिश नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया ये पता नहीं। हमारे गांव में ही एक ऐसी घटना है, तो वो एक लड़की है, लड़की ने किसी अंतर जातीय विवाह किया है गांव में ही, तो वो घर में आ जा रही है खाना खा रही है आराम से, और वो उनके ऊपर ऐसा सामाजिक नियम कोई लागू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। सिर्फ ये सारे नियम मेरे ऊपर लागू हो रहे हैं, क्यों हो रहा है अब ये भी समाज के पास कोई जवाब नहीं है सबका। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है,